राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे रसोई में तो माताएं अपने हाथ से ही रसोई बनाया करती थी। रसोई में तो किसी का प्रवेश होता ही नहीं था। अब नौकरों के हाथ का खाते हैं तो दिमाग भी नौकरों जैसा ही रहता है, उसमें सात्विकता नहीं आती है। और वो खाया हुआ सात्विकता पैदा भी नहीं करता है। व्यास जी, अब जो रसोई बना रहा है उसके घर में नाते रिश्तेदारी में कोई मर गया या कोई पैदा हो गया, उसको तो नौकरी करना है। आप 10 दिन की छुट्टी तो उसको देंगे नहीं, और सूतक के समय बना के खिलाएगा, आपका क्या होगा? बर्तन मांजने वाली, झाड़ू पोछा वाली आ रही है, 4 दिन अशुद्धि के आ गए, उस समय भी वो 4 दिन की आप छुट्टी तो महीना में दे नहीं रहे उसको। घर में पानी पीने का धर्म नहीं रह गया किसी के घर में। फिर कहें महाराज हम तो इतनी कथा सुनते हैं, इतना सत्संग करते हैं, हमारे में बदलाव क्यों नहीं? अरे भाई, बदलाव कैसे आवे? सत्संग में प्राप्त ज्ञान का आपने आदर कब किया जो आपको विवेक आवे? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आपने अपने विवेक का आदर कहां किया? बहुत विकट स्थिति है धर्म की, सदाचार की। कई बार चित्त बहुत हताशा और निराशा से चित्त भर जाता है, और फिर भीतर से ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना होती है, नाथ बस ऐसी कृपा करो, यह शरीर अंतिम शरीर हो, यह जन्म अंतिम जन्म हो, अब आने लायक नहीं है।